मंगलवार की देर शाम को पहाड़ों की रानी मसूरी में 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद मसूरी में सनसनी फैल गई है। मसूरी के बाटाघाट में एक नेपाल मूल के 32 वर्षीय युवक ने अपने ही परिवार की 7 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर कुकृत्य को अंजाम दिया और फिर फरार हो गया। वहीं बच्ची बाटाघाट में निर्माणाधीन भवन के पास लहूलुहान हालत में पड़ी मिली। जब बच्ची के माता पिता ने उसको ढूंढा तो बच्ची की हालत देखकर सन्न रह गए। आनंद फानंद में बच्ची के माता पिता उसको मसूरी लंढौर कम्युनिटी हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार शुरू किया। वहीं बच्ची के जख्मों और बच्ची की हालत को देखते हुए बच्ची को देहरादून हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पता है कि पेशेंट जो है 7 साल की लड़की है बाटाघाट से। उनके साथ जो ठेकेदार लोग हैं उनकी मदद किया है और जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला है कि उसको चोट पहुंची है उसके प्राइवेट पार्ट में। और जब हमने देखा है, हाँ हमने कंफर्म किया कि चोट है प्राइवेट पार्ट्स में, बच्ची स्टेबल है और इसको फर्दर एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन के लिए हमने फिर देहरादून भेजा है गायनेकोलॉजिस्ट के पास। सूत्रों के अनुसार 32 वर्षीय युवक नेपाली मूल का है और 7 वर्षीय बच्ची भी नेपाली मूल की है और दोनों ही आपस में रिश्तेदार हैं। मसूरी में इस मामले के बाद पुलिस ने इस 32 वर्षीय संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। मामले पर उच्च अधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है, ऐसे में संदिग्ध से पूछताछ जारी है और तफ्तीश के बाद कार्यवाही की जाएगी। 7 साल की बच्ची के साथ जो है कुछ छेड़छाड़ और मिसहैपनिंग का कुछ बताया गया है, जिसमें ये जो है एक अभी इसमें जो है हमारे पास कोई तहरीर आई नहीं है और इसका जो है मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल और तहरीर मिलने के बाद जो भी कार्रवाई होगी हम लोग जो है उसको करेंगे और संदिग्ध जो है जो हमने पता चला है उसके उससे भी पूछताछ हमारी जो है जारी है। मसूरी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट।